और अब बात इन दिनों चर्चा में बनी हुई एसडीएम की, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी में हर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति पर एक नया आरोप लगाया है। न्यूज 18 से बातचीत में ज्योति मौर्य ने अपने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से ज्योति मौर्य ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप ये कि उनका पति उन्हें प्रताड़ित करता है। और देखिए, बरेली के जिस चीनी मिल में ज्योति मौर्य प्रधान प्रबंधक के पद पर तैनात है, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। सरकारी बंगले पर ज्योति मौर्य को लेकर उनके सुरक्षा गार्ड ने जानकारी क्या दी, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये वही चीनी मिल है जिसकी जीएम है ज्योति मौर्य, जो कि एक पीसीएस ऑफिसर है। ये चीनी मिल जहाँ पर उनका आवास है और उनका ऑफिस है, ऑफिस पर उनकी मौजूदगी नहीं है, आज वो दफ्तर नहीं आई हुई हैं और इसी वजह से अब उनके आवास के पास इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लिखा गया है ज्योति मौर्य पीसीएस प्रधान प्रबंधक लिखा गया है। ये एक डेजिग्नेशन है जो यहाँ पर दी जाती है, ये आवास है इनको, कैंपस में ही मिलता है। ये चीनी मिल की जीएम भी यहाँ पर वो हैं, गेट लगे हुए हैं, गार्ड्स यहाँ पर नहीं है। भैया मैडम हैं? कब से नहीं है ये जानकारी? नहीं है जानकारी, कब आएंगी ये कुछ जानकारी? नहीं। कोई और है मैडम के घर से? नहीं मैम, कोई भी नहीं है। मैडम अकेले ही रहते हैं जी? अच्छा, तो मैम कब से नहीं है ये तो बताओ। का अंदर काम ड्यूटी पे था, आज यहाँ पे लगा हुआ। अच्छा, तो जो गार्ड यहाँ पर हैं वो बता रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि मैडम कब से नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि कल 2 बजे के बाद से वो यहाँ नहीं है। कहाँ गई हैं इसकी जानकारी यहाँ पर कोई राजी नहीं है देने के लिए। लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये आवास इनका जहाँ पर वो यहाँ पर अकेली रहती है। बताया जा रहा है कि इनका परिवार दूसरी जगह कहीं रहता है, यहाँ पर वो अकेली रह रही हैं। दरअसल इनके पति आलोक मौर्य के जो इल्ज़ाम हैं उसके बाद पूरा ये केस जो है वो हाईलाइट में आया है, जहाँ पर ज्योति मौर्य लगातार इस बात को कहती आई है कि ये एक मैट्रिमोनियल मामला है जिसका जवाब वो कोर्ट में देंगी। किसी भी तरीके के एलिगेशंस के जवाब वो यहां पर देती हुई नहीं दिख रही हैं। लेकिन यहां पर जब हम आज पहुंचे हैं तो वो खुद भी यहां पर मौजूद नहीं है, क्लेरिफिकेशन किसी तरीके की वो नहीं दे रही है। उनका कहना है कि पूरा मामला केवल शादी से जुड़ा हुआ है। जिस जिस तरीके के एलिगेशन उनके पति आलोक मौर्य उन पर लगा रहे हैं उनमें किसी में भी सच्चाई नहीं है और इससे ज्यादा क्लेरिफिकेशन वो नहीं देंगी। वो कह रही है कि ये तमाम बातों को कोर्ट के सामने ही रखेंगी। लेकिन यहां पर जब आज मुलाकात करने के लिए, जब यहां पर मिलने के लिए हम आए, तो यहां पर हमें यह मालूम चला कि वो अपने दफ्तर में भी नहीं है, अपने घर पे भी नहीं है। घर में मौजूद लोगों को ये नहीं मालूम कि वो कब आएंगी या वो कब गई थी। बताया जा रहा है कि इस आवास में वो अकेली रहती हैं, ऐसे में उनका परिवार कहीं और रहता है, तो ये भी हो सकता है कि वो परिवार के पास गई हो, ये भी हो सकता है कि वो कुछ दिन यहां से चली गई हो, क्योंकि लगातार इस मामले के बाद लोग उनसे सवाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पति पर टॉर्चर के आरोपों को लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम ज्योति के मुताबिक शादी में दरार सिर्फ झूठ बोलने को लेकर नहीं आई, बल्कि इसके लिए आलोक मौर्य का व्यवहार भी जिम्मेदार रहा है। और वो व्यवहार जिम्मेदार रहा है जिसे वो हर रोज झेलती थी। ज्योति मौर्य ने एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। रिश्ते खराब कैसे हुए, मतलब क्यों पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए, बात कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई रिश्ते खराब कब हुए? आप किसी के घर में घुस के देखना चाहते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ कैसे रह रहे हैं? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि क्या कोई आप में सफाई कर्मी कारण नहीं था, तो क्या कारण था कि आप लोगों के रिश्ते? बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में, क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? नहीं नहीं मैडम, पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन आलोक तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ा। आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया सारी चीजें की। मैं पता है, जब मैं एलकेजी में थी ना तभी मेरी शादी हो गई थी, आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोषा है। मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई, पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। तो ये जो सिलसिला था, जब आपने अभी इतना भी ये मैटर कोर्ट में आ गया, मेरी बात सुनिए जी जी, एक लाइन में सुन लीजिए, उनके पद से मुझे कोई मतलब नहीं है, इट्स प्योर हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है, मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में। नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें हैं लेकिन कोर्ट में आप कहेंगी, लेकिन जो चीजें परिवार के बीच में या जो चीजें आपके बीच खराब हुई हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो आपके बारे में कहा जा रहा है, जो तमाम तरह की चीजें ज्योति मौर्य को लेकर के कही जा रही है, क्या ये सारी चीजों में सच्चाई है?
मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सोशल मीडिया को करने दीजिए, जो करना आलोक से पूछ लीजिए, वो बेहतर बताएंगे। मुझे जहाँ सफाई देनी है मुझसे, जहाँ पूछा जाएगा जिस फोरम पे निर्दल तरीके से, मैं वहां बोलूंगी। तो अब आप फाइनली तलाक चाह रही हैं और चाह रही हैं आलोक से अलग होना? अभी तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नहीं, आप तो साथ नहीं रहना, आप साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बोल दिया, मेरा मैट्रिमोनियल केस पहले से पेंडिंग है कोर्ट में, आलोक के स्टेटमेंट के पहले से है। आपको दुख नहीं हो रहा इतनी सारी चीजें आपके बारे में चल रही हैं? आप बताइए अपने अनुभव से। नहीं, मेरा अनुभव से क्या, अगर आपके बारे में किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आदमी को लगता है कि ये चीजें गलत है, तो सोशल मीडिया से मतलब नहीं है। बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार किया है, देखिए कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है इंसान अलग होने के लिए, लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए, कोई बात नहीं, बहुत पर्सनल है, जाने दीजिए। एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति के बीच फोन पर बातचीत का एक ऑडियो भी इस वक्त वायरल है। देखिए, इसके ऑडियो में एसडीएम ज्योति मौर्या अपने पति से कह रही हैं कि वो आखिर क्यों तलाक देना चाहती हैं। इस बातचीत का हालांकि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी न्यूज 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता है। चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। मैं तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया कि मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप बड़े पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया तो अब क्या है, अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले, तुम होते कौन? मैं पति हूँ बनेगा, आप मर जाएंगे मानवा दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, आप कभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो पिए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या एग्जाम आप लगाई हो, बैग मांगने से बैग कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना, कम लाए थे ना कभी तो कम लाए।